नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भाजपा नेता गोपाल शर्मा ने इंदिरा कॉलोनी प्रतापपुर में हवन सामग्री की ध्वनि को वायुमंडल शुद्धिकरण के लिए वायुमंडल में फैलाया। प्रतिदिन किसी न किसी बस्ती या कॉलोनी में हवन सामग्री की ध्वनि को गलियों में घूमकर वायुमंडल शुद्धिकरण के लिए वायुमंडल में फैलाया जाता है। इंदिरा कॉलोनी प्रतापपुर से कुछ लोगों का फोन भाजपा नेता गोपाल शर्मा के पास आया तथा उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी हनुमान चालीसा शंख ध्वनि के साथ हवन सामग्री की ध्वनि को वायुमंडल में फैला दीजिए ताकि हमारी कॉलोनी का वातावरण भी शुद्ध हो जाए। भाजपा नेता गोपाल शर्मा ने एक बड़े हवन कुंड में हवन सामग्री, देसी गाय के गोबर के उपले, आम की लकड़ी, देसी गाय का घी, लोबान, कपूर आदि की ध्वनि को वायुमंडल में फैलाया। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए शंख ध्वनि की, हवन सामग्री की ध्वनि जब वायुमंडल में फैलती है तो इससे वायुमंडल का शुद्धिकरण होता है। वायुमंडल में फैले हानिकारक बैक्टीरिया समाप्त होते हैं तथा ओजोन गैस निकलती है जो मानव जीवन व पर्यावरण के लिए अत्यंत लाभदायक है। आज मेरे पास मेरठ के इंदिरा कॉलोनी प्रतापपुर से लोगों का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आप जिस प्रकार से प्रतिदिन किसी न किसी बस्ती या कॉलोनी में जाकर हवन सामग्री, देसी गाय के गोबर के उपले, आम की लकड़ी, देसी गाय का घी, लोभान कपूर आदि की ध्वनि को शंख ध्वनि व हनुमान चालीसा के पाठ के साथ वायुमंडल में फैलाकर वायुमंडल का शुद्धिकरण करते हैं, इसी प्रकार आप हमारे यहाँ भी आकर वायुमंडल का शुद्धिकरण करा दीजिए। तब आज मैं इंदिरा कॉलोनी प्रतापपुर में जाकर एक बड़े हवन कुंड में हवन सामग्री की ध्वनि को शंख ध्वनि व हनुमान चालीसा के पाठ के साथ वायुमंडल में फैलाया। हवन सामग्री की ध्वनि से वायुमंडल का शुद्धिकरण होता है, ओजोन गैस निकलती है, व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इससे व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है तथा प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। और जब व्यक्ति का मनोबल मजबूत होगा, प्रतिरोधक क्षमता उसकी बढ़ेगी, तो वह बीमारी की चपेट में कम आएगा और यदि बीमारी की चपेट में आ भी जाए तो जल्द ही बीमारी पर विजय प्राप्त कर लेगा। ऐसा करने से व्यक्ति कोरोना संक्रमण के चपेट में भी कम आएगा और यदि आ भी गया तो उसका मनोबल मजबूत होगा, प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी, तो वह कोरोना संक्रमण पर भी विजय प्राप्त कर लेगा। हवन सामग्री की ध्वनि को वायुमंडल में फैलाते समय हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए करते हैं क्योंकि हनुमान जी संकटों का विनाश करने वाले हैं और जब हम हनुमान चालीसा के पाठ के साथ हवन सामग्री की ध्वनि को वायुमंडल में फैलाएंगे तो निश्चित रूप से हनुमान जी संकट का विनाश करेंगे और इस कोरोना महामारी का भी अंत करेंगे। इसके साथ ही शंख ध्वनि इसलिए करते हैं क्योंकि शंख ध्वनि करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है तथा वायुमंडल भी शुद्ध होता है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज।